इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार होने के बाद क्या क्या पाबंदियां हटाई जा सकती है, इसको लेकर आज दिल्ली सरकार की अहम बैठक दोपहर 12 बजे होगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अहम बैठक बुलाई है। मीटिंग के बाद दोपहर 1 बजे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उन फैसलों के बारे में बताएंगे जो मीटिंग में लिए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार होने के बाद क्या क्या पाबंदियां हटाई जाएगी, उसको लेकर आज दिल्ली सरकार अहम बैठक करेगी। तो दिल्ली के आईटीओ से निधि श्री और इंडिया गेट से मेघा उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गई है। निधि, इस वक्त क्या नजारा है वहां पर, क्या पहले के बतौर अभी कुछ सुधार आपको दिख रहा है वहां पर? बिल्कुल जिया, देखिए आपको मैं सबसे पहले बताऊं कि आईटीओ पर मैं मौजूद हूं और पिछले दो दिन से यानी सैटरडे संडे लगभग छुट्टियां ही होती हैं और आज सोमवार को जब लोग निकलेंगे तो उन्हें किस तरीके की तस्वीर दिखेगी सड़कों पर, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। और इस वक्त मैं कहूंगी कि थोड़ी राहत देने वाली तस्वीरें सड़कों से नज़र आ रही है, क्योंकि जब लोग निकलते हैं तो अक्सर इस वक्त हेडलाइट्स जलाकर निकलते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब हेडलाइट्स जो है वो बंद हो गई है। ये देखिए जिया और सोनल, और आपको मैं दूसरी तस्वीर दिखाऊं अगर, ये तो सड़क है आईटीओ का, और दूसरी तस्वीर यहाँ पर दिखाना ज़रूरी हो जाता है। धूप निकल चुकी है और धूप निकलने के साथ ये आपको सामने धूप, हालांकि धुंधला ही नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल साफ तस्वीर तो नहीं है, लेकिन धूप निकलने के बाद ये जो सड़क है, हालाँकि यहाँ पर अभी भी एक लेयर आपको ज़रूर नज़र आ रहा होगा। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जो हम AQI लेवल की बात कर रहे थे, वो अब उसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है। और ये देखिए जो गाड़ियां इस वक्त रफ्तार पकड़ रही हैं, वो अभी जब घर से तमाम जो लोग निकले होंगे ड्यूटी करने के लिए, उनके लिए ये तस्वीर बेहतर ज़रूर है, क्योंकि पिछले दो दिनों से यानी शनिवार रविवार की बात कर ले या उससे पहले की बात कर ले, तो जहाँ 400 के पार था AQI लेवल यहाँ का, अब जो है वो तकरीबन बॉर्डर के पास है, यानी 300 से थोड़ा नीचे है किसी किसी इलाके में। तो ये तस्वीर आज जरूर राहत देने वाली है, हालांकि अभी भी पूरी तरीके तो से अगर कहा जाए, निधि आईटीओ की तस्वीर थोड़ी राहत देने वाली जरूर है। इंडिया गेट की तस्वीर क्या है ये जानने के लिए मेघा उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। मेघा, इंडिया गेट की तस्वीर दिखाए और जो वहां पर AQI है क्या बता रहा है, जरा बताए। जी सोनल, आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो कल तक जहां 400 के पार दिल्ली के इलाकों में, कई इलाकों में तो 500 के पार भी जो AQI था वो बना हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि आंकड़ों में काफ़ी सुधार दर्ज किया गया है। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूं, मेरे ठीक सामने आप इंडिया गेट की तस्वीरें देखिए, आज बेहद खूबसूरत आपको जो सुबह की लालिमा है वो नज़र आएगी। हालाँकि मैं अगर बात करूँ तो धुंध की एक चादर इस वक्त भी साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद कल तक जो तस्वीरें हम दर्शकों को ग्राउंड जीरो से दिखा रहे थे, आज में कहीं ना कहीं सुधार तो आपको भी नजर आ रहा होगा तस्वीरों के माध्यम से। और गाड़ियां जो है आज रफ्तार पकड़ी हुई नजर आ रही है, कल तक गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी थी। और अगर मैं इसी तरह विजिबिलिटी की बात करूं तो कल तक जहां ये 600 से 800 था, जिसमें भी काफी ज्यादा सुधार हुआ है। मैं आपको दिखाती हूं, मेरे हाथ में सफर ऐप है और आप इसके मुताबिक देखिए, इस वक्त जो AQI है वो 316 है, हालांकि ये फिर भी बेहद ख़राब की श्रेणी में आता है, लेकिन कुछ दिनों पहले तक हम सीवियर की कैटेगरी में बने हुए थे सोनल, जिसके बाद आज सुधार हुआ है। मैं आपको एक बार कर्तव्य पथ की तस्वीरें ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। कर्तव्य पथ की तस्वीरें देखिए, कल तक जो तस्वीरें हमारे सामने थी उसमें यहाँ लोग, चुनिंदा लोग नज़र आते थे, बिल्कुल खाली होती थी कर्तव्य पथ, सुबह सुबह का वक्त है और लोग मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग के लिए एक बार फिर से निकलना शुरू हो गए हैं। फिर से एक बार वो जो दिल्ली की सर्दियां हैं उसकी शुरुआत हो रही है और उसका आनंद लेने के लिए अमूमन नवंबर की शुरुआत में निकलते थे, लेकिन प्रदूषण की वजह से लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था। अब देखिए कर्तव्य पथ की तस्वीरें, आपको लोग नजर आएंगे, आप हमारे तस्वीरों के माध्यम से काफी लोग हमें जॉगिंग करते हुए, साइकिलिंग करते हुए नजर आए और हमने लोगों बिल्कुल से बात और जो AQI में सुधार हुआ है। जी जी, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। बावजूद कुछ राहत उन्हें महसूस हुई है सोनल, लेकिन उसके बावजूद जो उम्मीद वो कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त ठंड जो है शुरू हो चुका है, ठंड एक अच्छे स्तर पे दिल्ली में होता है, लेकिन प्रदूषण की वजह से अभी भी लोगों को उससे राहत नहीं मिली है। वो अभी भी कतरा रहे हैं कि क्या बच्चों को लेकर के, बुजुर्गों को लेकर के उन्हें बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये जो AQI है अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ, और ऐसे में कहीं ना कहीं बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये बेहद हानिकारक है, उनके स्वास्थ्य
के लिए बेहद खतरनाक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।